बहन बनाया कैसे तुम मर गए थे? पूछो है। कैसे मर कैसे गए मर थे? गए थे? कैसे मर गए थे? नहीं मालूम। कपड़ा क्या पहने हो? कपड़ा क्या पहने हो? कपड़ा हाँ कपड़ा क्या पहने हो? इसको तकलीफ क्या क्या दिया? बहुत तकलीफ दिया। एक सेकंड, बहन भी बनाए हो और तकलीफ भी दे रहे हो, ये बात इसकी सांस बंद कर देता हूँ। अच्छा इसकी सांस बंद कर देते हैं। इसको और क्या करते है? तो तुम बहन बनाए हो तो इसको मारना क्यों चाह रहे हो? दम मारना चाहता हूँ इसको। क्यों मारना चाहते हो? चाहता हूँ। क्यों मारना चाहते हो इसको? कितने बार ट्राई किया मारने की? बहुत बार मारने करा। कहाँ से आप आए हैं? जयपुर से। जयपुर से कितने साल से परेशान है ये? 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से परेशान है ये आपकी कौन है? भाभी दे दो इसका पर्ची, इसको रखो अपने पास, ये रखो। कितने भाभी बाबाओं को दिखाया? मौलाना को दिखाया था। और 19 में आपके पास आए थे, 22 में भी आपके पास ही आए थे। कहाँ पर? यहाँ पे। तब हाजिर नहीं हुआ। 19 में और 22 में तो फायदा कुछ हुआ था या नहीं? मतलब थोड़ा, मतलब जो पैर वेर दुखना ये सब कुछ होता था तो वो तो सही हो गया था, फिर वापस होने लग गया हमको। फिर कोई करेगा फिर हो सकता है, फिर कोई करेगा फिर हो सकता है। परमानेंट कोई पृथ्वी पे भाभी बाबा नहीं है। आप जयपुर से आए हो तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है? नहीं। आपसे जबरदस्ती कहा कि आप नेबू लो पैसा भरो? ये जनता की मर्जी है। अभी जैसे हमने आया फोन तो मैं बता रहा हूँ, ये आप लोग भूत प्रेत मरवा रहे हो अपनी मर्जी से। ठीक होने की किसी भी व्यक्ति को हम गारंटी नहीं देते हैं, सही है ना सदाजी? अब कोई आके कहे मैं तो राजस्थान से आया हूँ, वीडियो देखा है, ऐसा कुछ यहाँ लग नहीं रहा है, मेरा पैसा खर्चा हो गया। अरे भाई क्या खर्चा हो गया? 100 रुपया चेक कराने का, यही ना सदाजी? नहीं समझ में आया है आप चले जाओ, कोई आपसे जबरदस्ती पैसा भरवा रहा है? नहीं ना। पर्ची फाड़ के 100 रुपए की पर्ची आपकी लगी है, आप चले जाओ। नहीं समझ में आ रहा, आपका समय नहीं हुआ है अभी, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप चले जाओ। आप अपनी मर्जी से करा रहे हो, फायदा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, गारंटी मैं किसी व्यक्ति को नहीं देता। और फायदा हुआ तभी इतने साल बाद फिर आए हो। हम ऑनलाइन कराते रहते हैं, ऑनलाइन कराते रहे, इनकी आवाज बदलने लगी तो इन दोनों को लेके आए कि हाजिर करवाएंगे। मरा कैसे था तू? मरे कैसे थे तुम? गला कोई दबा के मारा था तुम्हारा? मार दिया मेरे को। कौन मारा तेरे को? मार दिया। पूछो कौन मारा? कौन मारा तुमको? मार दिया। कौन मारा तुम्हें? मेरे को मार दिया उसने। किसने? किसने मारा? मेरे पति ने मार दिया। पति का नाम क्या था तुम्हारे? मेरा पति ने मार दिया। तुम्हारा पति का नाम क्या था? क्या नाम है तुम्हारे पति का? कैसे मारा था तुम्हारा पति तुमको? कैसे मारा था? मेरी बच्ची, मेरी छोटी सी बच्ची, मेरे पति ने मार दिया था मेरे को। तुम्हारे पति का क्या नाम था? क्या नाम था तुम्हारे पति का? महबूब। महबूब कौन? इनके पिता है इनके। ये लड़की के बाप? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। कौन हो तुम? कैसे मरी थी? कैसे मारा था? कैसे मारा था? मारा था उसने। कैसे? उसने मार दिया था। कैसे? कैसे मार दिया था? मार दिया था, जहर दे दिया था मेरे को। जहर दे दिया था? कौन जहर दिया? किसको जहर दिया? क्लियर करो। कौन कौन दिया था जहर? कौन दिया था जहर? तुम्हारे पति का नाम क्या था? महबूब। महबूब ने इनके पिता का नाम, इनकी मम्मी थी ना, उनको जहर दे के मार दिया था। इनकी मम्मी को, इनके पिता ने मार दिया। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, छोटी बच्ची थी मेरी। वो इस समय कहाँ है बच्ची? मेरी बच्ची छोटी सी थी। वो इस समय कहाँ है तुम्हारी बच्ची?
जो बच्ची कहाँ है बच्ची, इससे में कहाँ है तुम्हारी बच्ची, कहाँ है पूछो, तुम्हारा नाम क्या है, पूछो क्या है तुम्हारा नाम, क्या है क्या है तुम्हारा नाम, बताओ नाम क्या है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है, क्यों मार दिया आपका शौहर, क्यों मार दिया, क्या वजह थी, किसने क्यों मारा था हाँ जहर क्यों देके मारा था बताओ, कितने साल पहले मारा था आपको, कितने साल पहले मारा था आपको, याद नहीं आ रहा मेरे को, दिन में रात को कब मारा था, दिन में या रात को, दिन में या रात में, दिन में मार दिया था कैसे मारा था जहर दे के मार दिया हाँ मेरे को मार दिया। तुम्हारा आदमी काम क्या करता था, काम क्या करता था, वो तो बाहर रहता था विदेश रहता था वो। तो तुम अपनी लड़की को इसको क्यों मारना चाह रही हो, मैं नहीं मारना चाहती इसको, इसका गला कौन दबाता है, इसकी सांस कौन, मैं तो इसको बचाती हूँ, बचाती हूँ, वो मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं। कितना पढ़ी लिखी हो आप, कितना पढ़ी लिखी हो, मैं कुछ नहीं पढ़ी, हिंदी उर्दू अरबी कुछ भी नहीं आता, कपड़ा क्या पहनी हो इस समय तुम, मैंने कपड़ा क्या पहनी हो, लाल सूट पहना है इसकी माँ को जो जहर दे दिया वो लाल सूट पहनी है, लाल सूट कैसे मारा था, जहर दे के, जहर दे दिया मेरे को, मेरी बच्ची, मेरी छोटी सी बच्ची, मेरी ये बच्ची, उस समय छोटी सी बच्ची। कितने साल से आप इसके ऊपर हो, कितने, मैं बचपन से साथ हूँ इसके, बचपन से यानी लगभग 15-20 साल, वो मेरी बच्ची को मार देगा, वो मेरी बच्ची पे जादू कराता है, वो जादू कराता है, वो मेरा पति भेजता है, वो भेजता है इसको, कौन है भाभी, इसका आदमी और कोई नहीं है, मारना चाहता है मेरी बच्ची, नहीं मार पाएगा, नहीं मार पाएगा, मारना चाहता है, वो हर बार भेजता है। अब इधर देखो हमारी तरफ, आप रहना चाहती हो इसके साथ, मेरी बच्ची की मदद करनी है, ठीक है आप साइड हट जाओ, साइड हट जाओ, सदा रहो साइड हट जाओ, वो सुन्नत जादू करती है। इधर देखो, इधर जो तुम्हें मारा है, मेरी बात सुनो गौर से, जो तुम्हें मारा है उससे बदला लो, तुम्हें कोई ओझा सोका मुल्ला पंडित सुनो, उससे बदला लो, तिल तिल करके मारो उसको, लेकिन वो सुन्नत साइड हट जाओ, अब तो जो बोला है वो करो, चल भाग जा, बाकी भूतों पिता पे तुरंत छोड़, इसको जल्दी इधर आ, छोड़ दे भाई साहब, पगला गया, वीडियो नहीं देखा है क्या, रखना चाहते हो सबों को क्या, भाग बाहर, शोर कर रहे हैं सर, जब उसका पति मारा था तो लाल सूट पहनी थी, ये लाल सूट नहीं है जी, है ना जी। आपकी माँ का कब मौत हुई थी, मैं 2.5 साल की थी। आप 2.5 साल की थी तब, आप इस समय आपकी उम्र कितनी है, 30 साल। कैसे मर गई थी आपकी माँ, पता नहीं, पर मम्मी जागते होंगे, जहर दे दिया था आपका बाप, ऐसा तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर आकर बोली, वीडियो रिकॉर्ड में है, सुना हाँ, तो अब ये वीडियो देखना तब समझ में आएगा, आपकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, नहीं तो साइन भी करवा लेते, किसी भी व्यक्ति को हम गारंटी नहीं देते हैं, अगर कोई चेक कराने के बाद उसको नहीं समझ में आता है
तो वो टोकन 100 रुपए की आदमी फाड़ के घर चला जाए। आप लोगों से जबरदस्ती किसी से भी करवाया गया क्या? घुमाओ कैमरा, बिल्कुल भी नहीं कराया। आपको क्या फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो दोबारा किसको लेके आए? बहन को लेके आए। आपको किसको फायदा हुआ? मेरी मम्मी जी को। मम्मी जी कितनी साल से परेशान थी? मम्मी जी दस साल से परेशान थी। यहाँ फायदे हुए, फिर आप सिस्टर को लेके आ जाए। तो जिसके ना समझ में, मैं यही कहता हूँ कि पर्ची फाड़ के घर चले जाओ। आपसे जबरदस्ती कोई नहीं यहाँ करता है, यहाँ पर या बनारस में। जिसके नहीं समझ में आ रहा है, जिसको उसका समय नहीं हुआ, हम तो यही कहेंगे उसका समय नहीं हुआ है, वो चला जाए। गारंटी किसी भी व्यक्ति को हम नहीं देते हैं। अब इससे संदेश से ये होगा, अब वीडियो कॉलिंग से इलाज कराओ या यहाँ आके कराओ, बात एक ही है। अब उसके ऊपर कुछ जनता कहती है हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि आप नहीं होगा, आके कराना। हो जाता है, इस पर भी आपत्ति है, मैं कहता हूँ आके कराना। और ज़्यादा परेशान किया तो मैं कहता हूँ नहीं आना, सदा तुम वैसे ही रहो। मैं ये शब्द किसी को बोलना नहीं चाहता हूँ, जो बोल दिया तो सदा ही वैसे ही रहोगे। पूरी पृथ्वी के बाबी बाबा के यहाँ चले जाओ, मेरे के यहाँ भी आओगे, कुछ नहीं होगा, पैसा दे के फालतू चले जाओगे। तो हमें तो कोई छेड़े ना पहला नंबर, और छेड़ेगा तो फिर भोगेगा भी वो। कोई किसी को जड़बड़ी छेड़ोगे तो भोगना पड़ेगा या नहीं? अरे बोलो भाई जनता, भोगना ही पड़ेगा। और जिसको बोल दिया वो भोग रहा है, चाहो तो फोन लगा के देख लो। एक दिल्ली में पुलिस बुलाया था और एक बनारस में बुलाया था, दोनों फोन लगाकर पूछ लो, भोग रहे हैं सब। हम किसी व्यक्ति को गारंटी देते नहीं। आपको समझ में आए तो कराओ, नहीं समझ में आए घर चले जाओ। और आदमियों के ऊपर मैं हाजिर नहीं कराता हूँ, सिर्फ लेडीज पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ। 100 में 10% हाजिर होता है, ठीक है, हाजिर होता है। वीडियो बनाएंगे, नेट पे डालेंगे, पहले बोल देता हूँ। सबको बोला है ना? बोला है या नहीं बोला? कोई ये नहीं कह सकता है कि धोखे से वीडियो बना के नेट पे डाल दिया आपने। बोल के बनाते हैं, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, हर जगह कैमरे लगे हुए, चप्पे चप्पे पे। जो झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं वो बेवकूफों को मैं बताना चाहता हूँ कि बाथरूम छोड़ के हर जगह कैमरा लगा हुआ है, आवाज वाला भी कैमरा है, आप क्या बोल रहे हैं वो भी रिकॉर्ड कर रहा है। 2 महीने की रिकॉर्डिंग भी यहाँ मिल जाएगी आपको। वीडियो के जरिए मैं बताना चाह रहा हूँ लोगों को, और फोन करके अता पता लोकेशन ना मांगे, क्योंकि उसमें हमने वीडियो के आखिरी में सब डाल दिया है, कैसे आना है, क्या करना है, पैदल आना है। अरे भाई जैसे मर्जी वैसे आओ ना, इसके लिए फोन आप मत करो। लोकेशन तक डाल दिया है, फुल एड्रेस डाल दिया, डाल दिया है ना। आप गए होगे बनारस तो कोई दिक्कत हुआ आपको? वही हाँ, तो इसके लिए भी आप लोग फोन नहीं करेंगे। कितने फोन करके पूछते हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, त्योहार चल रहा है, आज क्या है, ईद है, ईद है ना। कोई आए चाहे ना आए, हमारा सारा स्टाफ यहाँ ड्यूटी करके चले जाएंगे, कोई ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो ईद बकरीद मुहर्रम कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, आंधी तूफान बारिश, मुझे यहाँ आना है। जनता आए और चाहे ना आए, गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देता हूँ। कितने तो गारंटी वही पे मांगते हैं और उनको डिलीक्ट कर देता हूँ, जा भाई। और सब पे हाजिर हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं। बहुत से बेवकूफ़ कहते हैं कि अरे हाजिर नहीं हुआ तो पता नहीं चला तो फ़ायदा क्या है। तो मैं उनको बोलता हूँ पैसा वापस लेके घर भाग जाओ, बड़े बाबा के यहाँ जाओ। मैं छोटा सा बाबा हूँ, जीरो छोटा सा बाबा हूँ, और किसी भी व्यक्ति को गारंटी देता नहीं हूँ। कितने तो हम आधा तो फ़ोन ही पे उनको डिलीक्ट मार देते हैं। मैं बहुत दूर हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ भैया आपके पास 2 ऑप्शन हैं, वीडियो कॉलिंग से भी करा सकते हो और आके भी करा सकते हो। तो उस पे ये बोलते हैं वीडियो कॉलिंग से हो जाता है, तो मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ हो जाएगा, मतलब गारंटी मांग रहे हो एक तरीके से ना हमसे। मैं बोलता हूँ नहीं होगा, अब तुम्हारे पास आखिरी ऑप्शन है, बनारस आओ, समझ में आए तो, नहीं आए तो जाओ। गारंटी किसी भी व्यक्ति को नहीं देते। तो आधा तो दिन भर हम ऐसे ही ऑनलाइन वाले को उड़ा देते हैं, अरे गलती हो गया। यहाँ गलती नहीं होती है, यहाँ डिलीक्ट हो जाता है, अब नहीं होगा, यहाँ आओ या कहीं आओ, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। शक कर रहे हो ना, किस पे कर रहे हो? मालिक पे। हो जाता है, हो जाएगा, दोनों पे मुझे आपत्ति है। वीडियो बनाने का बताने का जनता का मकसद है हमारा, ये गलती ना करें लोग। बाबा जी लिखा हुआ है ना उसमें, आप पढ़े होंगे,
लोग बहुत कुछ दूसरे नाम से बुलाते हैं, मुझे उस पर आपत्ति है। बाबा जी लिखा हुआ है, बाबा जी। अब फोन लगाएंगे बेवकूफ लोग, तो जल्दी फोन उड़ गया तो आपको बोलना है ना हेलो कि हमें बोलना है। हाँ तो यही गलत है ना, हम तो यहाँ तक कहते हैं इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो इधर। मैंने अपने लड़के को बोला है कि अगर डेट वाले दिन यानी जिस दिन हम बैठते हैं उस दिन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाश को एक साइड लगा देना, सारी जनता को देखने के बाद मुझे फिर ठिकाने लगाना। मेरी बात समझे? ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, इनका क्या होगा? दूर दूर से आ रहे हैं, आप पटना से आए हो, कोई विदेश से आया है, तो हम मेरे चक्कर में इनका काम मत रोको, मुझे साइड लगा दो, भूल जाओगी बाबा जी मर गए, पहले सारे जनता को देख लो उसके बाद मुझे ठिकाने लगा दो। सही है? मैं इसी वसीयत करके जाऊंगा कि अगर डेट वाले दिन मैं मरता हूं तो पहले जनता को देखो बाद में मुझे। सही है ना? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, पहले हमारी जनता सुखी होना चाहिए। सूरजपुर भटगांव, सूरजपुर से आया था, और हम लोग वीडियो हाजिर करवाने से पहले बोल देते हैं वीडियो बनेगा नेट पे जरूर डालेंगे, अगर किसको नेट पे नहीं जाना चाहते हो तो डायरेक्ट भूतों को मरवा के यानी मुक्ति दिलवा के जा सकते हैं। तो लोग कहते नहीं हाजिर हो जाए पता चलेगा कौन जादू टोना करने वाला है, तो नहीं टाइम जो भी कहते हैं आप लोग, तो हाजिर हो जाए, तो हाजिर हो जाता है नाम खुल जाता है तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं ये चाहता हूं या तो वीडियो बनाना बंद कर दूं, या तो फिर वीडियो बनाऊं तो जो कलाकार है उसका नाम को डीप कर दूं। तो क्या करना चाहिए, वीडियो बनाना बंद कर दें या डीप कर दें? नाम को डीप कर दें। अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो ये आप लोगों के समझ में नहीं आया, वीडियो ही देख के सारी जनता आई है। वीडियो बनाना जरूरी है, वीडियो बनाना जरूरी है, मगर वो कलाकार का नाम को डीप कर दें यानी आपस में लड़ाई ना हो, है ना। और हाजिर होता है तो वीडियो नेट पे डालते हैं, ये हम दो चार बार बोलते ही रहते हैं, तो आप लोग सब वीडियो ही देख के यहाँ आए। जो भी आए डेट बाई डेट आए, सुबह 7 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, 8 बजे आ जाओ, वो चलेगा। नंबर जितने आदमी आएंगे नंबर उसी दिन मिलेगा, और देखेंगे सबको, ये नहीं कि नंबर नहीं आएगा, उसी दिन देखेंगे, उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आधा काम उस दिन हो जाता है, फिर जड़ी बूटी खा के आओगे, फिर दूसरा ऑनलाइन करा सकते हो या आके करा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। औरतों पे हाजिर कराने की कोशिश करता हूँ, 50-50 चांस होता है, हाजिर होता भी है नहीं भी होता है, आदमियों पे हाजिर कराने की मैं कोशिश नहीं करता हूँ, हाजिर होगा वीडियो बनाएंगे, जिसको हाजिर नहीं करवाना चाहते हो वो हाजिर करवाने की कोशिश हमसे ना करवाओ, डायरेक्ट भूतों को मरवाओ और धीरे से चले जाओ। तो कहने का मतलब, वीडियो बनाने का मतलब है कि अगर कोई दुर्घटना हो गई रात को, वहाँ आप लोग भुगते हो, अगर मौत हो जाए, छीनना झपटी हो जाए, तो इसके जिम्मेदार आप स्वयं हो गए। नेट पे मेरा लिखा हुआ है 2 दिन, गुरुवार और रविवार 2 दिन, 9 बजे खुला, आप 7 बजे आ जाओ, 6 बजे आ जाओ, मगर रात को यहाँ रुकने का माहौल अच्छा नहीं है। एक भूत मारने का खर्च, विदेशियों के लिए भर्तियन पैसा 2,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज घर बैठे मरवाने पर, और बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज, जड़ी बूटी की एक खुरक की कीमत विदेशियों के लिए 1,000 रुपीज, इंडिया वालों के लिए 500 रुपीज, बाबा जी के यहां आने पर 300 रुपीज। नोट, इंडिया में आकर कम पैसा में भूतों से मुक्ति पाइए, वाह भरत सरकार को लाभ पहुंचेनिए, यहां आने पर ही टोकन मिलेगा और उसी दिन आप आधा इलाज करवा सकते हैं।
बाबा जी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन मिलते हैं, रविवार और गुरुवार। टाइमिंग सुबह 9 बजे से दोपहर 2 तक। 2 बजे के बाद टोकन नहीं मिलेगा। वीडियो कॉल से भारत में मरीजों की पुष्टि के लिए पहले 1,000 रुपए और विदेशियों में मरीजों के लिए 10,000 रुपए एडवांस में जमा करना होगा। और अगर आप विदेश से इलाज करवाते हैं तो ये पैसा आपके इलाज करने के टाइम कम कर दिया जाएगा, और अगर इलाज नहीं करवाते हैं तो ये पैसा डूब जाएगा। इलाज कराने के बाद कोई भी पैसा वापस नहीं होगा। मरीज का इलाज बाबा जी या उनका बेटा, दोनों में कोई भी कर सकता है। इलाज में कोई भी फर्क नहीं होता है। नोट, 100 वायक्ति में से 95 वायक्ति यू को फायदा होता है और 5 को नहीं होता है, जिसके लिए बाबा जी किसी भी वायक्ति को गारंटी नहीं देते हैं।